कड़ियां एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे युवाओं को इनसे जरूर जुड़ना चाहिए और आप जब भी ऐसे मेलों में जाएं, वहां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। आप चाहें तो किसी खास हैशटैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे उन मेलों के बारे में दूसरे लोग भी जानेंगे। आप कल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। अगले कुछ दिन में कल्चर मिनिस्ट्री एक कंपटीशन भी शुरू करने जा रही है, जहां मेलों की सबसे अच्छी तस्वीरें भेजने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। तो फिर देर नहीं कीजिए, मेलों में घूमिए, उनकी तस्वीरें साझा करिए और हो सकता है आपको इसका इनाम भी मिल जाए। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको ध्यान होगा मन की बात के एक एपिसोड में मैंने कहा था कि भारत के पास टॉय एक्सपोर्ट्स में पावर हाउस बनने की पूरी क्षमता है। मैंने स्पोर्ट्स और गेम्स में भारत की समृद्ध विरासत की खास तौर पर चर्चा की। भारत के स्थानीय खिलौने परंपरा और प्रकृति दोनों के अनुरूप होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। मैं आज आपके साथ भारतीय खिलौनों की सफलता को शेयर करना चाहता हूं। हमारे यंगस्टर्स, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के बूते हमारी टॉय इंडस्ट्री ने जो कर दिखाया है, जो सफलता हासिल की है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज जब भारतीय खिलौनों की बात होती है तो हर तरफ वोकल फॉर लोकल की ही गूंज सुनाई दे रही है। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि भारत में अब विदेश से आने वाले खिलौनों की संख्या लगातार कम हो रही है। पहले जहां 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खिलौने बाहर से आते थे, वहीं अब इनका आयात 70% तक घट गया है। अब खुशी की बात ये है कि इसी दौरान भारत ने 2,600 करोड़ रुपए से अधिक के खिलौनों को विदेशों में निर्यात किया है, जबकि पहले 300-400 करोड़ रुपए के खिलौने ही भारत से बाहर जाते थे। और आप तो जानते ही हैं कि ये सब कोरोना काल में हुआ है। भारत के टॉय सेक्टर ने खुद को ट्रांसफॉर्म करके दिखा दिया है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अब इंडियन माइथोलॉजी, हिस्ट्री और कल्चर पर आधारित खिलौने बना रहे हैं। देश में जगह जगह खिलौने के जो क्लस्टर्स हैं, खिलौने बनाने वाले जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, उन्हें इसका बहुत लाभ हो रहा है। इन छोटे उद्यमियों के बनाए खिलौने अब दुनिया भर में जा रहे हैं। भारत के खिलौना निर्माता विश्व के प्रमुख ग्लोबल टॉय ब्रांड के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारा स्टार्टअप सेक्टर भी खिलौनों की दुनिया पर पूरा ध्यान दे रहा है। वे क्षेत्र में कई मजेदार चीजें भी कर रहे हैं। बेंगलुरु में शुमी टॉय नाम का स्टार्टअप इको फ्रेंडली खिलौनों पर फोकस कर रहा है। गुजरात में आर्किजू कंपनी एआर बेस्ड फ्लैश कार्ड्स और एआर बेस्ड स्टोरी बुक्स बना रही है। पुणे की कंपनी कन्वेंशन लर्निंग खिलौने और एक्टिविटी पजल्स के जरिए साइंस, टेक्नोलॉजी और